नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे कि किसी भी कटे फटे कपड़े को रिपेयर कैसे करें। देख सकते हैं कि नई पैंट है, इसमें कितना बड़ा होल हो गया है, इसको आज आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। साधारण सिलाई मशीन से रफू करना सिखाएंगे। तो इस प्रकार मैंने जो सामने फट्टी में हल्की पेस्टिंग यूज होती है वो ले ली है और नीचे इसको प्रेस की सहायता से चिपकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कृपया पूरा देखें, अंत तक देखें, आप इस प्रकार अच्छे से रफू करना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार इसको अच्छे से जो सुराख है इसके नीचे सेट कर लें और जो भी धागे इधर उधर हैं इनको बिल्कुल सीधा कर लें, आपस में धागों को मिला लें, जहाँ तक हो सके इसको बिल्कुल नज़दीक नज़दीक कर लें, ज़्यादा पैंट में सड़ भी नहीं पड़ेगी। और जो भी धागे उनको बिल्कुल सीधा कर लें अपनी जो दिशा उसमें, इस प्रकार से देख सकते हैं आप वीडियो में, ऐसे कर लें। और अब गर्म प्रेस से इसको पेस्टिंग को नीचे चिपका लेंगे। तो देख लिया मैंने कितने हाथों से इसको अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर प्रेस का यूज़ करेंगे हम, प्रेस गर्म हो चुकी दोस्तों, और अच्छे से प्रेस से यहाँ पर चिपकाना हमें, जो भी धागा इधर उधर उनको बिल्कुल सीधी दिशा में कर लें। आपने जैसे कि फ़ोटो में देखा बिल्कुल वैसे हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कट था दोस्तों इसमें। आप इस भी इस प्रकार कोई भी पैंट है, कोई भी कपड़ा है घर में कटाफट, आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रेस से अच्छे से चिपका लें और इसको बिल्कुल नज़दीक कर लें, जो भी धागे है जहाँ पर दौड़ापन दिख रहा है वहाँ पर धागे अटैच कर दें, क्योंकि धागे जो इस पे पेस्टिंग में चिप जाएंगे और ये पेस्टिंग हमारी दिखेगी भी नहीं। और बिल्कुल इसका सेम धागा लेना दोस्तों, इसी प्रकार धागा रील है जो आपने लेनी है, जैसा कि कलर है आपका कपड़े का उस प्रकार की रील, मिलती जुलती रील ले लें और उससे सिलाई करेंगे इसकी। काफ़ी अच्छे से चिपका लें इसको। ये देख सकते हैं दोस्तों पेस्टिंग इसके चिप गई है। और अब चलिए मशीन पे चलते हैं। अब दोस्तों इस पे सिलाई लगाएंगे, जैसे कि सिलाई इसकी जो मशीन के धागे है उसी प्रकार सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप दाएं बाएं धागे है उसी प्रकार बिल्कुल सीध में धागे लगाने हैं, जिस प्रकार कपड़े की बुनाई है इस प्रकार यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। और इस हाथ की सहायता से बाहर की तरफ कपड़ा खींचेंगे। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी चाल को नन्ही रखना हमें, यानी कि नन्ही चाल रखें और हल्का हल्का बाहर की तरफ खींचते जाएं। और एक हाथ से इसको जो पीछे हमारे पेच होता है अम्ब्रेला मशीन में, उससे चाल को आगे पीछे करते जाएं इस प्रकार से। और यहाँ पर आप लंबा टांका लगा लें, जिस प्रकार भी इसमें दोस्तों बुनाई है कपड़े की, इस प्रकार कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा धागे लगाने की। पहले मैंने आडे लगा लिए है, आडी धारी है इसमें और लंबी धारी है, तो लंबे भी धागे इसमें लगा लेते हैं। बिल्कुल सही फिनिशिंग इसमें आ जाएगी दोस्तों, पता भी नहीं लगेगा कि इसमें रफू हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर अच्छे से इसको रफू करेंगे दोस्तों हम। किसी भी कपड़े को आप कर सकते हैं, इसी हिसाब से कितना भी कट हो आप आसानी से। कई बार क्या होता है दोस्तों, नए कपड़े में कट लग जाता है किसी कारणवश से, तो वो कपड़ा हमारा ख़राब हो जाता है, लेकिन इस प्रकार आप आसानी से रफू करना सीख जाएंगे। साधारण मशीन से हो रहा है दोस्तों ये। और यहाँ पर हमारा जो रफू का काम है वो टांका कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मशीन से उतार लेते हैं इसको और देखते हैं कि हमारी सिलाई कैसी हुई है दोस्तों। अब इस पर प्रेस लगाऊंगा मैं, प्रेस से बिल्कुल साफ हो जाएगा, देख सकते हैं आप प्रेस इस पर मैंने मार ली है और पता भी नहीं लगता कोई भी सड़ इसमें किसी प्रकार की नहीं, ना ही कपड़ा इकट्ठा हुआ है। कितना बड़ा होल था दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।